तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर दो देशों की जंग है। इस जंग में एक तरफ रूस है, आप जानते हैं, और दूसरी ओर है यूक्रेन। लेकिन यह जंग किसी सीमा पर नहीं, बल्कि रूस इस वक्त यूक्रेन में घुसकर अटैक कर रहा है। रूस को देखकर लगता है कि पुतिन अपने मन की करके मानेंगे, और साथ ही यूक्रेन में इस वक्त बर्बादी की तस्वीरें ही नजर आ रही है। हर बड़े शहर पर रूस की ओर से अटैक लगातार किए जा रहे हैं। देखे टाइम बंकर्स के अंदर है, कौन भूल पाएगा इन तस्वीरों? ये तस्वीरें वो हैं जो यूरोपीय देश यूक्रेन पर रूस के गुस्से को जाहिर करती है। इस जंग के दो किरदार हैं, पहला रूस जिसने हमला किया, दूसरा यूक्रेन जिस पर यह हमला हुआ है। रूस अपनी ताकत को यूक्रेन को सबक सिखाने में लगा चुका है। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। रूस जैसे सुपर पावर देश ने वो किया जो भी उसके मन में आया। यूक्रेन की राजधानी कीव में टैंक चलाए, रिहायशी इलाकों पर रॉकेट अटैक किए, यूक्रेन के हर शहर में रूस की सेना का तांडव दिखा। जंग के माहौल के बीच यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव का हाल देखिए। कदम कदम पर बर्बादी और तबाही के निशान। ये वो इलाका है जहां रूस की सेना ने जमकर यूक्रेन पर रॉकेट चलाए। अभी यहां की क्या स्थिति है खुद देखिए। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का असल मकसद उसे नाटो में जाने से रोकना था। रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो कुछ ही दिनों में पूरे देश का हाल बेहाल कर दिया। यूक्रेन तबाही झेल रहा है, कम हजार है। रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो दुनिया भर में आलोचना भी हुई, बात तीसरे वर्ल्ड वॉर तक की भी हुई। लेकिन रूस की भारी ताकत के आगे यूक्रेन के ऐसे सामना करने पर नुकसान भले हुआ है, लेकिन तारीफ दुनिया भर में हो रही है। यूक्रेन ने इस जंग का सामना अकेले किया है। रूस जैसे ताकतवर कंट्री के सामने यूक्रेन जैसे देश का हौसला, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हिम्मत जंग से बड़ी दिखाई दी। दोनों देश जंग के बीच बातचीत के टेबल पर एक साथ आए तो दबाव साफ साफ दिखाई भी दिया। बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन से रूसी सेना को अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए। हालात को देखते हुए रूस को तुरंत सीज फायर का ऐलान करना चाहिए। उधर रूस का यूक्रेन पर अटैक जारी है। यूक्रेन के एंटनो AN-225 बारिया विमान को उड़ा दिया है। यूक्रेन में यह दुनिया का सबसे लंबा विमान था। विमान कीव के नजदीक कोस्टोमेले एयरपोर्ट पर खड़ा था। रूसी सैनिकों ने गोलीबारी की और इसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक कुल 352 नागरिक मारे जा चुके हैं, 1684 लोग घायल हैं। यूक्रेन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसमें कितने सैनिक और आम नागरिक हैं। यूक्रेन के ही रक्षा मंत्री के मुताबिक अब तक युद्ध में 5300 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे की सेनाओं को जबरदस्त नुकसान गिनाने में जुटे हैं, लेकिन दोनों ने ही अपने नुकसान को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 फरवरी से 28 फरवरी तक 4 दिन में रूस को 191 टैंकों, 816 बख्तरबंद गाड़ियों, 60 ईंधन टैंकों, 1 एयर डिफेंस सिस्टम, 4 ग्रेड सिस्टम, 29 फाइटर जेट्स, 26 हेलीकॉप्टर, 2 शिप बोट, 74 तोपे, सैनिकों को लाने ले जाने वाले 291 वाहन, 5300 से ज्यादा वेयरहाउस गंवाने पड़े हैं। रूस ने भी यूक्रेन में नुकसान का दावा किया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। रूसी सैनिकों ने
S-300 से लेकर बुक M1 एयर डिफेंस सिस्टम और बैरक्टर ड्रोन्स को निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन की जंग में दोनों ही देशों को अर्थव्यवस्था के पैमाने पर नुकसान हुआ है। दुनिया पहले से ही कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अर्थव्यवस्था संभाल रही थी, ऊपर से दो देशों की जंग ने दोनों ही देशों को आर्थिक मोर्चे पर झटका दिया है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन। ताकत में दोनों देशों का मुकाबला नहीं है। रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर संदेश अमेरिका जैसे ताकतवर देश को दिया है कि जो भी टकराएगा उसका हश ऐसा ही होगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।